स्टार्ट करते हैं रॉकर बियरिंग। ये वीडियो देखने से पहले पूरा मैं आपको बता दूं, पूरी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, बट 65% 60-65% चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और कोशिश पूरी रहेगी अच्छे से बता पाऊँ। और ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन रॉकर बियरिंग, ये उससे पहले देख लेते हैं रॉकर बियरिंग होता क्या है। रॉकर बियरिंग का एक डायग्राम ये है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें हम दो चीज़ें डिज़ाइन करेंगे रॉकर बियरिंग में, एक ये जो दिख रहा है आपको, ये पिन कहलाता है, और नीचे ये बेस प्लेट। ये दोनों चीज़ें हम डिज़ाइन करेंगे। एक व्यू आपका रॉकर बियरिंग का, एक ये व्यू है, और एक हम साइड से देखने वाले हैं। तो साइड से जब देखेंगे तो उसका व्यू कुछ ऐसा रहेगा। अभी अपन ने इधर से देखा था, अभी ये आपको ये वॉल्स टाइप की दिख रही होंगी। अगर हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे, इसको हटा दें, ये वॉल्स कुछ ऐसी नज़र आएंगी। ये दो तीन, और अदर साइड भी ऐसे एक दो तीन, बैक साइड भी एक दो तीन। तो इनका जस्ट यूज़ होने वाला है पिन के डिज़ाइनिंग में। सो चलिए देखते हैं। इसका डिज़ाइन है रॉकर बियरिंग फॉर ब्रिज यूजिंग फॉलोइंग डेटा। वर्टिकल लोड दिया हुआ है ड्यू टू दिस, वर्टिकल लोड ड्यू टू विंड इतना दिया है, लेटरल लोड ड्यू टू विंड एट एज बियरिंग इतना दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल इतना दिया है, परमिसिबल स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज़ें, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर बेस प्लेट इतना दिया हुआ है, एंड कितना सेफ बियरिंग प्रेशर कॉन्क्रीट इतना दिया हुआ है। तो स्टेप बाई स्टेप देखते हैं, डिज़ाइन करते हैं। पहला स्टेप है डिज़ाइन डेटा, ये सारी चीज़ें वही हैं जो ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में, सीधे सिंपल पुटअप किया। अब साइज ऑफ बेस प्लेट इसको डिज़ाइन करते हैं। बेस प्लेट मतलब ये आपका ये नीचे वाला जिसपे इसकी सारी चीज़ें रेस्ट कर रही है, ये बेस प्लेट स्क्वायर शेप का है ना आपका, तो उसको डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए क्या किया है इन्होंने, एरिया ऑफ बेस प्लेट रिक्वायर्ड क्या है, वर्टिकल लोड कितना आ रहा है ड्यू टू डेड लोड लाइव लोड प्लस इंपैक्ट लोड डिवाइडेड बाय सेफ बियरिंग प्रेशर ऑन कंक्रीट, जो कितना दिया हुआ है, डिवाइड किया 0.24 मीटर स्क्वायर इतना आ गया। बट थोड़ा ज़्यादा ही प्रोवाइड करेंगे अपन, तो वो ले लिया 0.7 मीटर, 0.7 आ गया 0.49 मीटर स्क्वायर। अब डिज़ाइन ऑफ पिन, पिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें दो चीज़ें, पिन एंड बेस प्लेट डिज़ाइन करेंगे। पिन की बात करें तो ये पिन इसको बोलना है, और ये जो इसमें डायग्राम किया है उसको भी देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा व्यू आपका ये दिख रहा होगा इधर से, और ये चीज़ पिन। तो इसमें जो है इसका कुछ डायमीटर होना चाहिए पिन का, तो वही इसमें बोलना है डिज़ाइन ऑफ पिन में। पहला चीज़ यही मैंशन की है कि मैक्सिमम परमिसिबल जो पिन की डायमीटर लेंगे अपन 100 लेंगे, तो 100 लेना है मिनिमम इतना, तो क्वेश्चन में इन्होंने लिया है 125। एंड रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ वर्टिकल बियरिंग प्लेट्स वो ले लिया इन्होंने, कितना लोड लग रहा था आपका ये 950 किलो न्यूटन, तो इन्होंने लिया 950 न्यूटन में चेंज कर लिया, डिवाइड बाय 208, ये है आपका ये बेंडिंग में परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, इनटू 125 जो लिया इन्होंने डायमीटर पिन ऑफ माइल्ड स्टील। तो उससे क्या गया, रिक्वायर्ड थिकनेस कितनी चाहिए मेनली, ये जो वॉल्स वर्टिकल बियरिंग प्लेट्स जो हैं उनकी थिकनेस, तो यह गया आपकी 36.54 इतनी है। तो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया थ्री प्लेट्स ईच ऑफ 25 mm थिकनेस, या 36.54, बट यहाँ 25 प्रोवाइड कर रहा है, इसका क्या कनेक्शन है कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट थ्री प्लेट्स प्रोवाइड की है उन्होंने 25 mm की, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तीन प्रोवाइड की हुआ है 25 mm थिकनेस ऐसा कुछ। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि डाउनवर्ड लोड ऑन ईच प्लेट, टोटल कितना रहा था अपना वर्टिकल 950 आ रहा था, चूँकि तीन प्लेट्स हैं तो पर में कितना जाएगा इतना 950/3, 316.67 kN। अब ये क्या लिखा हुआ है समझाता हूँ। डायग्राम क्या है कि ये इसको टॉप व्यू से देखेंगे, इसको अपन तो कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको दिख रहा है, ये इसको बोला अपन ने आउटर प्लेट्स, ये प्लेट आपकी आउटर है, और ये इधर साइड की, ये आउटर। तो उन्होंने ये बोला है कि जो आउटर प्लेट्स हैं इधर साइड की, उधर साइड की आउटर, इनके बीच का जो ये गैप है 4 mm का होना चाहिए, इधर 4 mm का होना चाहिए, और इनके और इनके बीच का गैप कितना 180 और 180 होना चाहिए, तो बाकी जो बचा इनके इनके बीच का वैसे ही 209 कैलकुलेशन में आ जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन पिन,
पिन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो ये जो ऊपर से अपना डाउनवर्ड लोड कितना रहा था, ये दिस इंटू 29 क्या है 25 + 4, इसके बाद कुछ निकाला है उन्होंने और बाय 10^3 इसलिए कर दिया क्योंकि 29 जो यहाँ से निकल रहा है वो अपना mm में है, मीटर में करने के लिए ये कर दिया कितना आ गया। फिर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन एक्सट्रीम फाइबर ऑफ पिन, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला ये होता है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन एक्सट्रीम फाइबर। तो मोमेंट आपका ये वैल्यू पुट कर दी, आई आई कैसे लिया, ये आपको दिख रहा होगा ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर का आई क्या होता है, पाई बाय 64 × 10^4। डायमीटर कितना लिया था अपन ने पिन का, 125, परमिसिबल 100 था बट हमने नहीं, मिनिमम था 100 लेना है बट हमने उससे ज़्यादा लिया, 125 किया, तो ये आ गए। और फिर 62.5 ये कैसे आया, ये आपका ये आया 25, पूरा 25, 125 डायमीटर है उसका हाफ किया, ये आ गया 62.5, पूरा सॉल्व किया ये आ गया 47.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जो कि कम होना चाहिए 208 से, क्यों, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि बेंडिंग में परमिसिबल स्ट्रेस कितना 208 और आ कितना रहा है अपना, ठीक है सेफ। फिर बैन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सिंपल फॉर्मूला लगा दिया 4/3 क्यू एवरेज एंड वैल्यू स्पुट कर दी, आंसर आ गया इतना, एंड ये भी 100 से कम है जो कि क्वेश्चन में गिवन था 100, तो अपना ये भी क्या है सेक्शन सेफ है, सेक्शन शेयर में सेफ है मतलब। चेक फॉर, अब इतना हो गया पिन का डिज़ाइनिंग, अब क्या करने वाला है बेस का, तो उसके लिए क्या करना है, चेक फॉर मैक्सिमम प्रेशर बिलो द बेस कितना आ रहा है, तो वर्टिकल लोड कितना आ रहा है इनके कारण, ये सब चीज़ें हैं 1150 kN। ये बोला लेट द हाइट ऑफ पिन, हाइट ऑफ पिन सेंटर लाइन अबव द बॉटम बेस प्लेट इज 300 mm। ये बोल रहा है कि मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये बॉटम बेस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट जो पिन है, पिन के सेंटर तक की 300 mm इन्होंने मान लिया, इतना आ गया। लेटरल लोड ड्यू टू विंड एट ईच बियरिंग 60 kN, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 60 kN। देन मोमेंट ड्यू टू विंड एट द बेस, बेस पे कितना होगा, चूँकि लेटरल लोड पिन पे लग रहा होगा वहाँ पे 60 kN और पिन से बेस तक की डिस्टेंस कितनी है 300 mm, इसको कन्वर्ट किया मीटर में 60 × 0.30 इतना आ गया। मोमेंट ड्यू टू लॉन्गिट्यूड लेटरल फोर्स एट बेस, बेस कितना होगा, ये 300 आपका क्वेश्चन में गिवन है, लॉन्गिट्यूडनल लोड पर गाइडेड इतना है और चूँकि बेस पे कितना होगा और पिन से लेके बेस तक की डिस्टेंस 300 mm है, मीटर में चेंज किया इतना होगा, ये चीज़ें थी इसमें इतना आ गया। नाउ मैक्सिमम प्रेशर बिलो द बेस, आपका बेस के नीचे जो आपका बेस है, ये बेस के नीचे मैक्सिमम प्रेशर कितना आ रहा होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो क्या क्या 1150 क्या है, ये जो आपका ये वर्टिकल लोड है ना 1150, और हम ये पहले निकाल चुके थे कि नीचे जो प्लेट है मतलब बेस प्लेट वो कितने बाय 0.7 × 0.7 का है, सिंपल कुछ नहीं 1150 आपको क्या है फोर्स टाइप का हो गया ये एरिया, तो प्रेशर कितना हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या चीज़ है 18, एक मोमेंट भी आ रहा हो 18 का आ रहा है मोमेंट और 90 का मोमेंट आ रहा है जो हमने पहले निकाला था बेस पे, ये 18 kN और 90 kN का मोमेंट आ रहा है बेस पे, अब इसको प्रेशर के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वो ये है, वो चीज़ें कन्फ्यूजिंग लगेगी थोड़ा, वो कुछ नहीं है सिंपल है, दिखाता हूँ आपको। वो कुछ नहीं है, जैसे आप ये 1150 kN / 0.7, जैसे आपका सिग्मा होता है m/i × y, तो कुछ नहीं m/bd³/12 × y, y कितना है बेस की बात कर रहे हैं, बेस की तो कितना हो जाएगा b/2 ही हो जाएगा एंड पे, एंड bd³/12 तो और b इक्वल्स टू d है क्योंकि 0.7 × 0.7 है, तो सबको सॉल्व किया कैलकुलेशन किया तो 6m b³/4 × b, तो 6m/bq और m/1/6 bq, तो इन्होंने वो चीज़ डायरेक्ट लिख दी है, यहाँ थोड़ा सॉल्व करके दिखाया है, तो 1/6 × bq + 90 / 1/6 + 1 / 90 / 1/6 × b³, बी 0.7 है, 0.7 है ही, तो ये आ गया आपका मोमेंट के कारण कितना प्रेशर आ रहा था कहाँ पे डिस्प्लेट पे, तो इन तीनों को समेशन किया अपन ने तो कितना आ गई वैल्यू, इतनी आ गई जो कि लेस होनी चाहिए इससे, ऐसा क्यों पता नहीं बस होना चाहिए 1.33 × बियरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट से, ये बियरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट से तो होने चाहिए बट 1.33 क्यों क्या ये पता नहीं, कितना आ गया इतना, तो
मतलब अपना सेक्शन सेफ है, कंक्रीट फेल नहीं करेगा क्योंकि कमी आ रहा है प्रेशर। फिर डिज़ाइन ऑफ बेस प्लेट, अभी तक अपन बताए कितना कितना आ रहा होगा प्रेशर यहाँ से। अब चलते हैं डिज़ाइनिंग, ये आपका जो बेस प्लेट है इसकी डिज़ाइनिंग देखते हैं। इसमें लिखा है एक लाइन, इट इज़ टू बी नोटेड दैट एन इंक्रीज ऑफ 16.3% इन स्टील स्ट्रेसेस इज परमिटेड व्हेन ओकेजनल लोड्स आर कंसिडर्ड। कुछ नहीं किया इन्होंने, लेट अस डिज़ाइन द बेस टू विदस्टैंड प्रेशर ऑफ, इतना प्रेशर आ इतना रहा है बेस से, बट एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इन्होंने इतना मान के डिज़ाइन कर दिया है ताकि और एक्स्ट्रा सेफ हो जाए, इतना इन्होंने कर लिया। देन 3629 ये इतना वैल्यू आ गई, तो आपका प्रेशर कितना आ रहा है ये मेनली नीचे से, ये इतना जो इन्होंने ले लिया 3629.95। एंड मैक्सिमम प्रोजेक्शन ऑफ बेस प्लेट ये ले लिया इतना, कहाँ से ले लिया पता नहीं बट ले लिया मैंने 103.5 mm। ये क्या चीज़ है प्रोजेक्शन, ये दिखाते हैं आपको, ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये भी कुछ नहीं है, ये यही वाला है जो आपको दिख रहा होगा, ये यही सब यहाँ पर दिखाया। तो प्रोजेक्शन ये इनकी बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर मीटर, ये क्या ले लिया WL²/12, कुछ नहीं लिया इन्होंने, ये लिया ये प्रेशर लग रहा है ना ये नीचे 3629.95 ये लग रहा है, इनटू इनटू एल, एल कितने पे ये प्रोजेक्शन पे 103.5, उसको मीटर में चेंज कर दिया, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया पॉइंट लोड में आ गया, एंड फर्दर मोमेंट निकालने के लिए L/2 किया, WL²/2 ये आ गया मोमेंट, इतना आ गया। देन लेट टी बी द थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, अब क्या पता करने जा रहे हैं हम कि आखिरकार जो बेस प्लेट डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसकी थिकनेस हम रखें कितनी। ये 25 आया है, कैसे आया वही देखने जा रहे हैं। तो ये इन्होंने ये लंबा चौड़ा ये अजीब सफा ये मतलब ये लिख दिया डायरेक्ट, ये एक्चुअली है बहुत आसान चीज़ है, इन्होंने क्या लिखा है, जो लिखा है ना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपना ये फॉर्मूला होता है ना सिग्मा इक्वल अपॉन आई इनटू वाई, टाइम इक्वल टू सिग्मा इनटू वाई बाय वाई, मोमेंट 19.44 × 106, ये अपन यहाँ निकाल चुके हैं 19.44 दिस, एंड 185 क्वेश्चन में गिवन है, ये दिखाता हूँ आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें, 185 बेस प्लेट के लिए परमिसिबल बेंडिंग इसे 185 और कॉन्क्रीट के लिए इतना, क्वेश्चन में आपको ये चीज़ गिवन है 185। अब बसता है आई तो आप जानते हैं BD³/12 कितने के लिए डिज़ाइन कर रहा है, 1 मीटर के लिए मतलब 1000 mm के लिए, इंटू T³/12 इंटू T/2 वाई, आपका वाई कितना रहेगा T/2 ही रहेगा, नीचे से ले रहा हूँ। देन पूरा कैलकुलेटर क्रिएट किया सब, ये सब ठीक वैल्यू इतनी आ गई 25 mm। देन बात आती है जब द बेस प्लेट इज टेस्टेड एट सेक्शन XX एक्सिस, ये है अपनी XX एक्सिस, यहाँ पर सेक्शन को टेस्ट कर रहे हैं, उससे पहले क्या निकाला Y-bar, अब ये Y-bar कैसे निकाला ये देखते हैं थोड़ा। Y-bar क्या किया, पहले क्या किया 700 × 25 × 12.5 ये किया उन्होंने, यहाँ से यहाँ तक लेके 700 mm है, वो शुरू में जो निकाला था 0.7 × 0.7 बेस प्लेट, तो उसका इधर से देखेंगे 700 mm इंटू कितना है 25 इंटू ये 25 और 25 कहा था 12.5, तो यहाँ से ये आ गया 725 × 12.5 प्लस ये चीज़ कैसे आई वो देखते हैं, ये है 212.5। अब 212.5 कैसे आया, ये शुरू में लिया था उन्होंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 300 मान ली थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 300, और इसके पैरेलल में ये है तो दिस 300 − 125/2 62.5 दिस माइनस, तो आपका ये डिस्टेंस आ जाता है 212.5, वही लिखा है ये 212.5 × 25, ये 212
0.5 × 25 तो इसकी एरिया आ गई। अभी कितने प्लेट्स हैं, एक तो तीन है, तो मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दिए। अब इसका सीजी निकालने की बारी आई, तो अब इसका सीजी लेना है इनका नीचे से, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 212.5 डिवाइड बाय 2, यहाँ कहीं आएगा प्लस 25 आप करेंगे तो आ जाएगा ये 131.25। फिर नीचे आपको पता ही है A1 + A2, A1 700 mm × 25 एंड क्या ये, हाँ 212.5 × 25 और थ्री टाइम्स, क्योंकि तीन प्लेट्स हैं, तो ये आ जाएगा 69.1। तो सी जी अपना कहाँ गया इस पूरे सिस्टम का कॉम्बिनेशन का, ये आ गया, ये जो आपकी हल्की लाइन डॉटेड लाइन दिख रही होगी 69.1, यहाँ कहीं से, कहाँ से, यहाँ से नीचे से, तो आपका ये आ गया। अब निकालना है आपको आई, आई वही बी डी क्यूब बाई 12 और ट्रांसफ़र करना है। ये जो आई निकाला है ना, जो अपने सी जी निकाली है ना, इसके अबाउट निकाला है इन्होंने आई, तो आई के लिए चलते हैं। पहला क्या दिया, 700 × 25³/12, तो कहाँ गया 700 × 25 का क्यूब 700, ये इसके अबाउट, यस। तो पहले इसके अबाउट सीजी निकाल लेते हैं, इसके सी मतलब इसके इसके सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 700 × 25³/12। अब इसके अबाउट ट्रांसफ़र करना है तो अपने को AH² लगाना पड़ेगा, A किसका, ये 725 और बेस प्लेट से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 69.1। और जब AH क्या होता है अपना, यहाँ के CG से लेके डिस्टेंस, इसके CG के डिस्टेंस क्या हो जाएगा 69.1, यहाँ तक के डिस्टेंस से −25/2 दैट इज 12.5 का स्क्वायर, ये कर दिया, प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ये लिया क्योंकि ये तीन हैं, तीन बार नाटक करना पड़ेगा, तो ये किया इन्होंने, तो क्या है 25 × ये किया। तो पहले इनके सी जी के अबाउट निकालते हैं, देखिए 212.5 का आधा करेंगे तो कुछ, और इसके सी जी के अबाउट निकालेंगे तो 25 × B D³/12 212.5/12 प्लस, अब एरिया ट्रांसफ़र करेंगे AH² तो 25 × दिस, तो ये आ गया आपका, इंटू ये दिस, इन्होंने ऊपर से लिया हुआ है बट अपन नीचे से भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। नीचे से कैसे लेना है, नीचे से कहाँ गया, नीचे कैसे लेना है, 212.5 है तो अगर इसका हाफ कर देंगे तो इसके सीजी पहुँच जाएंगे, रेक्टेंगल टाइप का इसके सीजी पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, अगर मैं उसमें प्लस 25 कर दूँ, अगर मैं इसमें 25 प्लस कर दूं तो यहाँ तक अपन आ जाएंगे, दैट इज एक मिनट, देखिए 212.5 / 2 तो आ गए अपन कहाँ पे, यहाँ पे, एंड देन प्लस किया अपन ने 25, इसमें प्लस 25, देन आ गया रिजल्ट 131.25। देन लेना क्या, दोनों के सी जी के बीच के डिस्टेंस, तो उसमें अपन माइनस कर देंगे कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पूरे सिस्टम का कहाँ सीजी है 69.1 पे, जो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसमें माइनस कर दिया 69.1 तो आ जाएगा 62.15। तो ये जो इन्होंने निकाला है आप सिंपल अपने अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, उतना ही आएगा, आ इतना आ गया। फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये 3629.25 ये है, नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो लिया 0.7, क्या लिया वो पता नहीं, कोई फैक्टर वगैरह लिया होगा, 0.35² / 2 ये क्या लिया, ये जो टेस्टिंग चल रही है यहाँ पहले ही बताया x x सेक्शन के अबाउट पे, ये x x
तो यहाँ पे एक बेंडिंग में यहीं से बेंडिंग मोमेंट निकाला जा रहा है, तो 700 mm ये है तो आधा कितना हो जाएगा, 350 mm, तो प्रेशर नीचे से इतना आ रहा है इंटू एल स्क्वायर इंटू 0.35 का स्क्वायर बाय 2, ये अपना किसमें है किलोमीटर मीटर स्क्वायर में है, मल्टीप्लाई किया लेंथ सारी चीज़ें कुछ नहीं, बेंडिंग मोमेंट उससे मल्टीप्लाई किया लेंथ से तो पॉइंट लोड में आए एंड देन एल बाय 2 एंड 0.7, यहाँ कुछ फैक्टर लिया होगा वो पता नहीं कैसे है, ये 155.63। फिर बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, वही ऊपर की वैल्यूज उठाई, आई अपन निकाल ही चुके हैं सारी वैल्यूज, यहाँ पुट कर दी और तो अपना आंसर आ गया सिंपल ये, एंड जो कि लेसन हो चाहिए 185।